नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ एजुकेशन की, खासकर MBBS की। हमारे देश में चूँकि MBBS की सीट लगभग 1,10,000 है और इस 1,10,000 में सरकारी जो सीट है वो सिर्फ 55,000 है, रेस्ट सीट प्राइवेट में है। और जो नीट के जरिए एडमिशन होते हैं तो ये पाया गया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और कहिए कि माइनॉरिटी के भी बच्चे उसमें एडमिशन लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। चूँकि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में यदि MBBS के लिए एडमिशन लिया जाए तो 5 वर्ष की पढ़ाई का खर्च, इंटर्नशिप वगैरह सब लेते हुए, उसका जो हॉस्टल का खर्च है, उसका जो फीस है, वो सारा खर्च, किताब है, कॉपी है, तो सारे खर्च को अगर मिला दिया जाए तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया 5 वर्ष में लगना है। सरकारी कॉलेजेज में यदि एडमिशन होता है तो साल में 25-50,000 रुपया लगता है, जो आसान है, खासकर जो अल्प आय वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्गीय आय के लोग हैं, उनके परिवार के बच्चों को MBBS बनने में आसानी होती है। 2024 का जो नीट में 23,35,000 बच्चे अपियर हुए, उसमें क्वेश्चन लीक को लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है पूरे देश में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या फैसला करता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं यहाँ पर यह चर्चा करना चाहूँगा कि हर साल करीब 20,000-30,000 बच्चे जो खासकर मिडिल क्लास फैमिली के हैं या थोड़ा सा भी लो इनकम, तो वो कर्ज लेकर भी, ज़मीन बेच कर भी किसी तरह से वो बच्चे को, यदि वो नीट से आते हैं और मार्क्स उनके ऐसे नहीं आ पाते जो सरकारी इंस्टीट्यूशन में उनका एडमिशन हो, तो वो विदेशों में MBBS करने के लिए भेजते हैं, जिसमें खासकर रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस, बांग्लादेश, तजाकिस्तान, नेपाल में भी अब जाने लगे हैं लोग, और चाइना। और यहाँ पर जो खर्च है 5 वर्ष के MBBS का, वो मोटा मोटी लगता है कि 20-25 लाख रुपए में वो डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन मैं इन परिवारों के गार्जियन को मैं ये बतलाना चाहूँगा कि इन देशों से जो बच्चे MBBS करके आते हैं उनको एपियर भी होना पड़ता है। जो भारत की जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है वो लेती है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन लेती है, वो हर साल 2 बार होता है, जून और दिसंबर में। इस साल जून के बदले अभी जुलाई में परीक्षा हुई थी शुरू में, पहले सप्ताह में, और उसका रिजल्ट अभी जारी हुआ है 17 जुलाई को। और इसमें ये पाया गया है कि सिर्फ 20% बच्चे इसमें पास हो पाए। वैसे भी जो ये रेशियो है, मैं इसमें ये बतला दूं कि इस परीक्षा में अपियर होने के लिए, इस बार जुलाई में जो परीक्षा हुई उसमें 35,819 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा, उसमें से 2,422 एबसेंट रह गए हैं, और जो रिजल्ट हुआ उसमें 78 कैंडिडेट का रिजल्ट पेंडिंग है। इसमें पास करने वालों की संख्या सिर्फ 7,233 है और जो फेल किए हैं वो 27,297 है, कुल 34,530। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि चूँकि वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं भारत में जब तक ये परीक्षा पास नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं है कि इस बार का ही ये रिजल्ट ऐसा है, इसके पहले भी देखा गया है। ये ठीक है कि इसमें एज की बैंडिंग नहीं है, ये अटेम्प्ट का लिमिट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो रिजल्ट की स्थिति है, तो मैं गार्जियन को, चूँकि आप 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपया बच्चे को MBBS बनाने के लिए भेजते हैं, तो अपने बच्चों को यह भी अलर्ट कीजिए कि वहाँ से जो पढ़ाई करें और यहाँ पर आकर जो सिलेबस है, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, 2 पेपर होता है और कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट है, 150 मिनट में 150 क्वेश्चन होता है 2 पार्ट में, तो ये 150 मिनट प्लस 150 मिनट और क्वेश्चन 150 प्लस 150 300 क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक सही क्वेश्चन के लिए एक नंबर मिलता है। तो बच्चों को ये ज़रूर गाइड किया जाए कि आप तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर ये परीक्षा नहीं पास करते हैं तो आप प्रैक्टिस यहाँ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से
अंडर ग्रेजुएट होते हैं, मतलब MBBS करते हैं और वो PG करते हैं वहीं से और वहाँ रजिस्टर्ड हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उनके लिए यदि वो भारत में आते हैं तो उनके प्रैक्टिस के लिए उनको इस टेस्ट से, स्क्रीनिंग टेस्ट से नहीं गुजरना होता है। अब मैं यहाँ पर ये बतलाऊँ कि जो पिछले कुछ वर्ष से 2020 से मैं बतलाना चाहूँगा कि क्या रहा है पास करने का प्रतिशत, जो ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है इसमें पासिंग जो परसेंटेज है वो है जून 2020 में 11.62%, दिसंबर 2020 में 21.25%, जून 21 23.73%, दिसंबर 21 23.91%, जून 22 10.61%, दिसंबर 22 30.83%, जून 23 10.22%, दिसंबर 23 22%, और अभी जो जून के बदले जो जुलाई में परीक्षा हुई उसका है 20%। तो ये स्थिति है, इसीलिए जो गार्जियंस अपने बच्चों को भेजते हैं विदेशों में तो बच्चे को जरूर ये गाइड करें कि ऐसी तैयारी करें कि यहाँ इंडिया जब लौटें वो तो वो परीक्षा ज़रूर बेहतरीन तरीके से दें और पास करें, अन्यथा उनको यहाँ पर प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें, अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।